रहता का उल्टा चश्मा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल अब मैं उस व्यक्ति से पूछूंगी जिनकी वजह से सबके दिलों की धड़कनें तेज हो जाती है। मैं अय्यर जी, आपको ऐसा लगता है कि आपकी वजह से सबके दिलों की धड़कनें तेज हो जाती है? मैं ये कह रहा था कि मैं बताता है कि ये मेरा स्वीट हार्ट बबीता है। बिल्कुल सही, मैं बबीता जी की बात कर रही थी। तो बबीता जी आप तैयार हैं? जी जी। तो बबीता जी आपके लिए स्क्रीन पर तस्वीर ये रही। तो बबीता जी बताइए ये कौन सा प्रसिद्ध मंदिर है जहां हर कोई जाने के लिए आतुर रहता है? बबीता जी मैं बताऊं? नहीं 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 मुझे आता ना। अरे तो बबीता जल्दी जल्दी बताओ कौन सा मंदिर है? ये हमारे भारत का सुप्रसिद्ध माता रानी वैष्णो देवी का मंदिर है। बिल्कुल सही जवाब। माता वैष्णो देवी का मंदिर भारत के जम्मू के त्रिकूट पर्वत पर है। और इतना ही नहीं, यहाँ पर श्रद्धालु 13 किलोमीटर पैदल चलकर जाते। वैसे अभी बूढ़ों और बच्चों के लिए पालकी की भी सुविधा है और अब तो टेम्पल पर जाने के लिए हेलीकॉप्टर का फैसिलिटीज भी है। स्थान पर देवी महाकाली, देवी महासरस्वती और देवी महालक्ष्मी पिंडी के रूप में विराजित। माता रानी की जय। तो बबीता जी अब पूछूंगी आपसे आपका दूसरा सवाल। अगली तस्वीर प्लीज। तो बबीता जी ऐसा माना जाता है कि ये वो नदी है जिसका जन्म स्वयं गणपति बप्पा ने किया है और ये नदी कर्नाटक से निकलकर सीधा बंगाल के समुद्र में जाके विलीन होती है। तो आपको इस नदी का नाम बताना है। बताइए बताइए कौन सी नदी है? बबीता जी और बोल जीत पोरे है। अरे सुगंधा जी भाई नदी तो सब सेम होती है, ऐसे कैसे पता चलेगा कौन सी नदी है? सॉरी कुछ याद नहीं आ रहा है। बबीता की जगह मैं ये सवाल का जवाब दे सकता है? एक मिनट अय्यर जी, आप बबीता की जितने शॉपिंग कर सकते हैं? अरे कभी नहीं। उसके जितना अच्छा खाना बना सकते हैं? अरे नहीं, ले, ले। तो फिर जवाब आप क्यों देंगे? उसी को दे दीजिए ना। बताइए बताइए बबीता जी, जल्दी जल्दी जल्दी, समय निकला जा रहा है। गोदावरी? नहीं सॉरी नहीं, गलत जवाब। बबीता जी जल्दी जल्दी, टाइम जा रहा है। सोचिए सोचिए। अरे 10 9 8 7 6 5 सोचिए। 4 3 2 बबीता जी। अय्यर भाई आप बता दीजिए, आप ये कावेरी नदी है। बिल्कुल सही जवाब अय्यर जी। इस नदी का जन्म कैसे हुआ इसकी कहानी मैं बताता हूँ। दरअसल महर्षि अगस्त्य अपने गांव वालों के लिए पानी चाहते थे। उनके गांव में पानी की बड़ी समस्या थी, तो शंकर भगवान और ब्रह्मा जी ने उन्हें एक जल से भरा हुआ कमंडल दिया और कहा कि ये कमंडल का पानी आप जहां भी गिराओगे नदी वहीं से शुरू हो जाएगी। बड़े खुश होकर वो कमंडल लेकर अपने गांव जा रहे थे, लेकिन बीच में किसी कारणवश उनको रुकना पड़ा। अभी वो कमंडल नीचे रख नहीं सकते थे, तो उन्होंने वहां पे खेलते हुए बच्चे के हाथ में वो कमंडल दिया। पता है वो बच्चा कौन था? कौन कौन? अरे हमें कैसे पता होगा तेरे जमाने के बच्चे के बारे में? अरे पोपटलाल मैं हमारे जमाने की बात नहीं कर रहा हूँ, पौराणिक कथा की बात कर रहा हूँ। अरे पता है मैं मजाक कर रहा हूँ। बताइए ना वीडियो अंकल कौन था वो बच्चा? वो बच्चा था हमारे गणपति बाप्पा। गणपति बाप्पा जानते थे कि वो जहाँ पे खड़े हैं वो जगह नदी के लिए सही है, तो उन्होंने उस कमंडल को नीचे रख दिया। महर्षि अगस्त आए, उन्होंने देखा तो कमंडल नीचे रखा हुआ है और उस पर एक कौवा बैठा हुआ है। महर्षि अगस्त ने उस कौवे को हटाने की कोशिश की,
और उस कोशिश में उस कमंडल का जल नीचे गिर गया और उस तरह हुआ कावेरी नदी का जन्म। वाह 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 भिड़े वाह, क्या बात है क्या बात है। चलिए चलिए कोई बात नहीं, बबीता जी ने एक सवाल का जवाब तो सही दिया है, तो उसके लिए जोरदार तालियां हो जाए। yes, 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 yes. But I must say, ये दोनों सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग थे। हाँ, लेकिन अब देखना ये है कि आपका परफॉर्मेंस इंटरेस्टिंग होता है या नहीं। बिल्कुल।